यूं तो बॉलीवुड में हजारों कलाकार हुए हैं, किसी ने हीरो, किसी ने विलेन, तो किसी ने कॉमेडियन के रूप में अपनी अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसा किरदार भी चमका है जिसने विलेन, कॉमेडियन और चरित्र अभिनेता के रूप में करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है, और इनका नाम है शक्ति कपूर। ये प्रेस वाले जो भी मैं करता हूँ उसको छाप देते हैं, ये मशहूर होना भी कितना बड़ा पाप है ना। इनका जन्म 3 सितंबर 1952 को दिल्ली के करोल बाग में हुआ। इनके पिता का नाम सिकंदर लाल कपूर और माँ का नाम सुशीला कपूर था। शक्ति बचपन में बहुत शरारती थे और ये पहले सुनील कपूर के नाम से जाने जाते थे। इनके पिता का कपड़ों का व्यवसाय था और वे चाहते थे कि सुनील अपना पारंपरिक व्यवसाय ही करे, पर इन्हें कुछ और ही मंजूर था। इन्होंने दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उसी वक्त इनके कदम मॉडलिंग की तरफ बढ़ने लगे, और इन्होंने अपने दोस्तों के साथ एफटीआई पूना के लिए अप्लाई कर दिया और इनका चयन एफटीआई में हो गया। मैंने क्या कर दिया, ब्याज काट के। एफटीआई के बाद शक्ति मुंबई आ गए और फिल्मों में छोटे मोटे किरदार करने लगे, लेकिन कोई विशेष बात नहीं बनी। एक रोज ये अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और एक मर्सिडीज ने इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। उस समय ये बड़ा गुस्सा हुए और ड्राइवर से भरपाई के लिए कहा, तो गाड़ी में से एक बंदा उतरा। जब शक्ति ने उस बंदे को देखा तो वह चकित रह गए। वे फिरोज खान थे। इस एक्सीडेंट में फिरोज खान शक्ति से इतने मुतासिर हुए कि 1980 में आई अपनी फिल्म कुर्बानी में इन्हें विलेन का रोल दे दिया और शक्ति रातों रात स्टार बन गए। और अगले साल आई संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी। रॉकी के टाइम जब ये सुनील दत्त साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि सुनील नाम एक विलेन के व्यक्तित्व को शोभा कम देता है, और उन्होंने सुनील को शक्ति नाम दिया। बाद में ये सुनील शक्ति कपूर के नाम से मशहूर हो गए, और रॉकी की सफलता के बाद शक्ति ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शक्ति ने धनवान, सत्य पे सत्ता, हीरो, हिम्मत वाला, इंकलाब, घर एक मंदिर, इंसाफ कौन करेगा, गिरफ्तार, कर्मा, घर संसार, मुद्दत, असली नकली, 20 साल बाद, साजिश, इंतकाम, घराना, रखवाला जैसी दगा करने वालों को भगवान नर्क की आग में जला देता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सैकड़ों फिल्मेकर बेहतरीन खलनायकों की श्रेणी में आ गए। 90 के दशक के बाद शक्ति ने खलनायकी को थोड़ा दरकिनार करते हुए कॉमिक रोल करने शुरू किए, और राजा बाबू के नंदू की भूमिका के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म फेयर से नवाजा गया। और उसके बाद इंसाफ, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, अंदाज अपना अपना, तोहफा, बोल दादा बोल, चालबाज, हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में कर दर्शकों को खूब गुदगुदाया। और आज शक्ति कपूर ही एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों के साथ साथ देश की अनेकों क्षेत्रीय भाषाओं में सैकड़ों फिल्में कर दर्शकों का दिल जीता है, और लगभग 800 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और आज भी सक्रिय हैं। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इनका विवाह शिवांगी कपूर के साथ हुआ है, और इनके एक बेटा सिद्धांत और बेटी श्रद्धा हैं जो बॉलीवुड में बेहतरीन अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में झंडे गाड़ रहे हैं। आज राजस्थान फिल्म फेस्टिवल ऐसी शख्सियत को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच, नई दिशा।